अस्सलाम वालेकुम। आज हम चाइनीज़ कंग पाव चिकन बनाएंगे। चाइनीज़ कंग पाव चिकन बनाने के लिए बोनलेस चिकन हमने लेनी है आधा किलो। इसके हमने छोटे छोटे क्यूब काट लेने हैं। अच्छी तरह से चिकन को धोकर बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब काटने हैं इस तरह से। ये आप देखें, छोटे छोटे क्यूब हैं, इस तरह से काट लें आधा किलो चिकन लेकर। स्प्रिंग ऑनियन लेने हैं, हरी प्याज लेने हैं 2 से 3। अदरक हमने लिया है 1 टीस्पून, अदरक को हमने क्रश कर लेना है। लहसुन के हमने 6 जवे लेने हैं, इनको हमने स्लाइसिस में काट लेना है। 5 हमने साबुत लाल मिर्चें लेनी है। ये हमने सेसमी ऑयल लिया है 1/4 कप। या आप सेसमी ऑयल ले लें या फिर आप कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास हो आप वो ले लें। सेसमी ऑयल से ये कि फ्लेवर जो है ज़्यादा अच्छा बनता है। नमक लेंगे 1 टीस्पून, या थोड़ा सा कम ले लें, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक आप डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स लेंगे 2 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून, वाइट विनीगर, सिरका, सफ़ेद सिरका लेंगे 1 टेबलस्पून, शुगर, चीनी लेंगे 1 टीस्पून, कॉर्न स्टार्च इनके कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून, ये हमने सेसमी ऑयल लेना है 2 टीस्पून के बराबर। ये हमने अलग-अलग से रखना है। रोस्टेड पीनट लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, यानी कि मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली लेनी है 2 से 3 टेबलस्पून। ये हमने सेसमी सीड लेने हैं 1 टेबलस्पून भरकर, यानी कि तिल, साबुत तिल लेने हैं 1 टेबलस्पून। अब हमने एक बॉल ले लेना है, इसके अंदर हमने सेसमी ऑयल डाल देना है 2 टीस्पून के बराबर, यानी कि तिलों का तेल डालना है 2 टीस्पून के बराबर। वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। सोया सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। शुगर, चीनी डालेंगे 1 टीस्पून, कॉर्न स्टार्च डालेंगे 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हमने नमक डालना है। आधा टीस्पून हमने बचा लेना है, बाद में फिर आप चिकन के ऊपर अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन के ऊपर डाल देना है। अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर देंगे। सारी चिकन में मिक्स करके अब हमने इसको ढांप कर रख देना है आधे घंटे तक। आधे घंटे तक हमने चिकन को मैरिनेट करना है, हाफ आवर के लिए, 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अब हमने मीडियम आग पर एक वॉक को गर्म कर लेना है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है 1/4 कप। मैंने इसमें सेसमी ऑयल डाला है, तिलों का तेल। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म करके फिर हमने साबुत लाल मिर्चें डाल देनी है, 5 डालेंगे। 1 मिनट तक हमने इन मिर्चों को फ्राई होने देना है, थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको लगे कि मिर्चों की खुशबू आ गई है तब तक हमने मिर्चों को फ्राई कर लेना है। मिर्चों की खुशबू अब आने लग गई है। अब हमने इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल देनी है। चिकन डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने तकरीबन 3 मिनट तक हमने चिकन को इसी तरह से पकने देना है, फ्राई करना है। इसको हमने मिक्स करते रहना है। चिकन को हमने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन को हमने मिक्स करते रहना है। अब हमने इसमें
अदरक ली है और लहसुन, लहसुन के हमने स्लाइसेस करने हैं। अदरक को हमने बारीक पीस लेना है, ये डाल देना है। साथ ही हमने स्प्रिंग ऑनियन डाल देने हैं। स्प्रिंग ऑनियन डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें नमक डाल देना है, आधा टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि सोया सॉस के अंदर भी नमक होता है। जब हमने मैरिनेट की थी तभी हमने नमक डाला था, या आप अभी डाल लें, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 2 टीस्पून, अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप 3 टीस्पून भी डाल सकते हैं। ये हमने रोस्टेड पीनट डाल देने हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, बाकी के जो हैं इनको हमने गार्निश के लिए बचा लेना है। अब हमने 2 से 3 मिनट तक चिकन को और फ्राई करना है। इसको हमने मिक्स करते रहना है, पास ही खड़े होना है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है चिकन, क्योंकि छोटे छोटे क्यूब्स हैं, बहुत जल्दी गल जाएगी। अब हम 2 से 3 मिनट तक चिकन को और फ्राई करेंगे। चिकन को हमने तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं हमने डालना। अब आग को हमने मीडियम करके बस उस पर हमने इसको पकने देना है 8 से 10 मिनट तक। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल लें, 7-8 मिनट में ही चिकन जो है ये बहुत आराम से गल जाएगी। इसी तरह से हमने ढकना नहीं लगाना, बस इसी तरह से हमने चिकन को मीडियम आग पर पकने देना है जब तक चिकन गल जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल लें। अब हम चिकन को पकाएंगे। चिकन को हमने 5 से 6 मिनट तक पकाया है। अब आपने चिकन को तोड़कर इस तरह से देखना है, अगर चिकन गल गई है तो फिर आप ये देखें, चिकन जो है ये बिल्कुल गल चुकी है, 5-6 मिनट में ही गल चुकी है। अगर इसमें पानी है तो इस पानी को हमने ड्राई कर देना है, चिकन के अंदर पानी ना हो। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। लाल मिर्च का पाउडर बस 2 टीस्पून ही डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर स्पाइसी हो जाएगा, बहुत ही चटपटी जायकेदार है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तकरीबन 12 मिनट में ये चिकन जो है तैयार हो जाती है। 3 मिनट तक हमने पहले फ्राई किया, बाद में 3 मिनट तक किया, अब 6 मिनट तक किया है। अब 1 मिनट तक हमने आग को बंद कर देना है। तकरीबन टोटल जो टाइम है इसका 12 मिनट है। अब पानी खुश्क होने लगा है, पानी को हमने ड्राई कर देना है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है चिकन का। अब हमने इसके ऊपर बाकी के बचे हुए पीनट डाल देने हैं ड्राई रोस्ट किए हुए, और इसके ऊपर हमने सेसमी सीड डाल देने हैं। अब आग को हमने बंद कर देना है। इसमें आप नमक टेस्ट कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक की भी और ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस आधा टीस्पून ही नमक डालें या उससे भी कम डालें, चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं ज़्यादा फ्लेवर के लिए। इस चिकन को हमने चाइनीज़ कंग पाओ चिकन को हमने चावलों, उबले हुए चावलों के साथ सर्व करना है। अब चिकन हमारी रेडी है। अब हमने उबले हुए चावलों के ऊपर चिकन को डाल देना है। अब हमारी मज़ेदार चाइनीज़ कंग पाओ चिकन तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।